गुड इवनिंग एवरीबडी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है दस मिनट की देरी का बड़ा कारण है भारत श्रीलंका का मैच जो एक अद्भुत मोड़ पर है अद्भुत मोड़ का मतलब है कि मुझे लग रहा था कि शायद पचास रन से कम में ही ऑल आउट हो जाएगी और इसी कारण से मुझे लगा कि शायद अलआउट हो जाए तो फिर मैं क्लास लंबी ले पाऊंगा तो आइए शुरुआत करते हैं हम हमने इकोनॉमिक्स की पिछली कक्षा में पावर्टी गरीबी नाम का अध्याय शुरू किया था जैसे आज श्रीलंका की भारत श्रीलंका मैच में जो गरीबी है जो जो पिछली बार परिभाषा दी थी मैंने क्षमताओं की कमी एक प्रकार से गरीबी की एक परिभाषा ये भी थी तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज जो पावर्टी की हम बात करेंगे हम भारत में नीति आयोग ने दूसरा गरीबी के आंकड़ों को जारी किया है 2021 में आंकड़े जारी किए थे उसके बाद 2023 में आंकड़े जारी किए हैं ये आंकड़े आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है 2024 और 25 दोनों वर्षों के लिए आंकड़े आपको संभाल के रखने हैं ये आंकड़े राज्य वाइज दिए गए हैं या फिर मैं कह सकता हूं कि नीति आयोग ने राज्यों को टारगेट करते हुए क्लियर किया है कि कहा कैसी बदलाव आ रहे हैं तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्र में कितनी जनसंख्या या परिवर्तन कितना हुआ है और दूसरा हम देखेंगे आज पावर्टी से जुड़े हुए बाकी डायमेंशन इसके पहले वाली क्लास अगर आपने पावर्टी वाली नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पावर्टी की पहली क्लास देखिएगा जिसमें हमने सापेक्ष गरीबी निरपेक्ष गरीबी बहुआयामी गरीबी साथ ही साथ गरीबी रेखा के निर्धारण में क्या चुनौतियां हैं क्या चैलेंजेस है इस पर काफी विस्तार से चर्चाएं की थी शुरुआत करते हैं आज के कक्षा की एक मिनट का समय हम आपका पुनः लेंगे आप यदि अभी तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ पुनः अनकेडमी कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए नया कुछ करते रहता है इसी कड़ी में अन एकेडमी तीन दिनों का स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल त्योहारों का सीजन चल रहा है चार नवंबर पांच नवंबर और छह नवंबर इन तीन दिनों के लिए अन सारे एजुकेटर फ्री क्लासेस ले रहे हैं यह सारी फ्री क्लासेस आप केवल और केवल ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तीन दिन लगभग मान के चलिएगा कि 10 10 12 12 घंटे क्लास आप देख पाएंगे बहुत सी कक्षाएं आपको देखने को मिलेगी तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए और ज्वाइन करिए इन कक्षाओं को हमारी इसमें तीन कक्षाएं होने वाली हैं एक तो दस महीने का करंट अफेयर किसमें कितना है दम जीएस किसमें कितना है दम सी सेट रिपीटर्स बैच इक्कीस अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है ये उन स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जो दो बार तीन बार प्रीलिम्स दे चुके लेकिन पास नहीं हो पाते हैं लक्ष्य बैच जो कि 2025 के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड कंप्लीटली हिंदी मीडियम का बैच है जो सबसे बड़ी बात मैं आपको पुनः बता दूं कि यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप केवल बैच का ही सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं आपको जितनी कक्षाएं जितने एजुकेटर्स के वो सारी दी जाती है जो ऑनलाइन प्लस और आइकॉनिक की कक्षाएं होती है साथ ही साथ अगर मैं सिंपल सी बात कहूं तो आप किसी और बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं पूरी फ्रीडम है आपके पास बैच को बदलने चेंज करने की हिंदी मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम के टीचरों से भी पढ़ने की एक ही फीस में हिंदी और इंग्लिश मीडियम सभी टीचरों से आप पढ़ सकते हैं जीरो परसेंट इंटरेस्ट के साथ ईएमआई का ऑप्शन आपके पास है संडे का स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर ध्यान से दीजिएगा बहुत सारे स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं और एक दिसंबर से सीसेट का हमारा बैच आ रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 जो बैच है ये साल का इकलौता बैच है बीस हजार जो मार्केट में ऑफलाइन की फीस चल रही है लेकिन यदि आप दिवाली तक सब्सक्रिप्शन इसमें ले लेते हैं तो आपको 50% परसेंट का ऑफ मिलेगा प्लस एम के लाइव रिफर कोड के कारण 5 परसेंट का और ऑफ मिल जाएगा मतलब मात्र नौ हजार पांच सौ रुपए में अभी आप सी सेट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं ये वो बैच है जो नए पैटर्न पर बेस्ड है लेटेस्ट पैटर्न जो यूपीएससी ने अपनाया है उसी पर इस बैच की पूरी आधारशिला रखी गई है ये फ्री क्लासेस यदि आप ज्वाइन करना चाहते तो नोट कर लीजिएगा आइए शुरुआत करते हैं तीसरा चैप्टर जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहली हम बात करने जा रहे हैं गरीबी की ये जो टॉपिक मैं निशान लगा रहा हूं ये हो चुके हैं गरीबी के प्रकार मापन की बातचीत गरीबी रेखा अब हम बातचीत करने जा रहे हैं कुछ भारत में गरीबी के आंकड़ों पर और फिर आज कवर करेंगे गरीबी रेखा के निर्धारण में चुनौतियां गरीबी के क्या कारण हैं और गरीबी के समाधान हेतु तो सरकारी प्रयास क्या हैं सरकारी प्रयासों का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे और कुछ सुझाव पर भी चर्चाएं करेंगे प्राय चर्चा में रहने वाला शब्द निरपेक्ष गरीबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए सबसे पहले सवाल से शुरुआत कर रहे हैं आज जैसे हमारे गेंदबाज बुमराह और सिराज ने शुरुआत में ही पहली बॉल में विकेट लिया है वैसे ही पहली शुरुआत सवाल से ही की है हमने निरपेक्ष गरीबी से तात्पर्य है किसी व्यक्ति की आय इतनी कम है कि वह न्यूनतम भरण पोषण जुटाने में भी अक्षम है इसके अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था में उच्च आय वर्ग और निम्न आय वर्ग की तुलना की जाती है प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है अंडरलाइन द सेंटेंस कौन सा कथन सही नहीं है हम कहेंगे कि महोदय तुलना जहां की जाती है वो सापेक्षिक गरीबी होती है निरपेक्ष गरीबी का मतलब होता है हेड काउंटिंग कि कितने लोग एक लाइन को पार नहीं कर पा रहे हैं कितने लोगों की मिनिमम इनकम भी नहीं आ पा रही है लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का संबंध ऑब्वियसली सबसे सिंपल टॉपिक आप कहेंगे सिंपल सवाल कहेंगे क्योंकि जो चैप्टर पढ़ रहे उसी से होगा तभी तो सवाल पूछ रहा है मास्टर भारत में गरीबी रेखा के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कितनी है हमेशा याद रखिएगा ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी की आवश्यकता ज्यादा मानी जाती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में श्रम प्रधान कार्य अधिक होते हैं कृषि से जुड़े हुए कार्य अधिक होते हैं इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा ही कैलोरी की आवश्यकता ज्यादा होती है तो हम कहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा और शहरी क्षेत्र में कम तो ये दो तो नहीं हो सकते क्योंकि इनमें दोनों में शहरी क्षेत्र ज्यादा है और बची बात वैल्यू की तो चौबीस सौ इक्कीस सौ कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए चौबीस सौ कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लिए इक्कीस सौ कैलोरी माना जाता है कि इतना कैलोरी भोजन अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो वो व्यक्ति गरीब है सुरेश तेंदुलकर समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए सुरेश तेंदुलकर कमिटी इस समिति ने कैलोरी के स्थान पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी का आधार बनाया पिछले क्लास में बताया था मैंने कि तेंदुलकर कमिटी के बाद फिर बहुत आलोचनाएं हुई और रंगराजन कमेटी कमिटी इमीडिएटली बनाई गई थी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एक हजार रुपए और आठ सौ सो सोलह रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह को गरीबी का पैमाना बनाया था 2017 एनडीए का प्रश्न है हम कहेंगे कि जी महोदय दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं दोनों ही कथन बिल्कुल सही है निम्नलिखित में से किस समिति ने प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग निर्धारणता रेखा का निर्धारण किया था रियल में यह बहुत जरूरी था क्योंकि आप हर राज्य की स्थिति को एक जैसे नहीं कह सकते महाराष्ट्र की स्थिति और असम की स्थिति को आप एक नहीं कह सकते क्योंकि भारत बहुत ही बड़ा देश है जनसंख्या और आकार दोनों ही मामलों में इसलिए किसी एक राज्य की जो गरीबी रेखा है वो दूसरे राज्य की भी वही गरीबी रेखा हो यह सोचना पूरी तरह से गलत रहेगा मतलब हम कहेंगे कि इसको हम सही नहीं मान सकते तो लकड़वाला कमेटी वो पहली कमेटी थी उसके बाद रंगराजन कमेटी ने भी राज्यों के लिए और सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने भी राज्यों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा की बातचीत की थी तो आइए आज के कंसेप्ट पर आते हैं राष्ट्रीय शब्द पर गौर करिएगा पिछले क्लास में हमने जो चर्चाएं आप लोगों के साथ की थी वह अंतरराष्ट्रीय बहु गरीबी बहुआयामी गरीबी सूचकांक था ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की हम बात कर रहे हैं नीति आयोग, आयोग ने जारी किया है इसे नीति आयोग ने जारी किया है राज्यों के लिए जारी किया है राज्य और केंद्र शासित 2021 में पहली बार आए थे इसके आंकड़े 2023 में जून के महीने में इसके दूसरी बार आंकड़े आए हैं इसमें 12 संकेतकों का उपयोग किया गया है 12 इंडिकेटर्स हैं जो तीन आधार पर बनाए गए हैं तीन आधारों पर बनाए गए हैं साथ ही साथ इसके द्वारा जो आंकड़े पेश किए गए हैं इसके अनुसार भारत में गरीबी में कमी आई है कौन सी गरीबी में बहुआयामी गरीबी में बहुआयामी ये शब्द मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था जब हम गरीबी में कई सारे डायमेंशन लेते हैं भोजन के साथ साथ वहां ईंधन कैसा उपयोग हो रहा है बिजली वहां पर है या नहीं मकान कच्चा है या पक्का है वहां पर किस प्रकार का उपभोग है किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उनको मिल पाती है या नहीं शौचालय की व्यवस्था है या नहीं जब हम ऐसे आयामों पर कहीं गरीबी के आंकड़े निकालते हैं तो हम ऐसी जगह पर उसे नाम देते हैं बहुआयामी गरीबी तो आइए जरा देखते हैं अंतरराष्ट्रीय अथवा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की तर्ज पर मतलब उसी को लगभग ध्यान में देते हुए नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है सूचकांक का मूल तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के विश्लेषण पर आधारित है लेकिन जो वैश्विक है वो दस संकेतकों पर आधारित है हमने बारह संकेतकों को शामिल किया है क्योंकि जितने ज्यादा इंडिकेटर्स होंगे हम गरीबी के आंकड़ों को उतना ही सटीक डिटरमाइन कर पाएंगे अगर आप केवल भोजन को आधार मान के गरीबी निकालेंगे तो हो सकता है आंकड़े कम मिले लेकिन वो सही आंकड़े तो बिल्कुल नहीं माने जा सकते हैं इसलिए हमारे जीवन के लिए जितनी चीजें जरूरी होती हैं यदि हम उन सभी आधारों को लेकर गरीबी निकालेंगे तो हम गरीबी के सटीक आंकड़ों तक ना सही लेकिन बेहतर आंकड़ों तक पहुंच पाएंगे जिससे सरकार को योजना बनाने में आसानी होगी इसके तीन आयाम है मतलब तीन आयाम लेकिन इंडिकेटर बारह जैसे हो सकता है पहले आयाम के तीन इंडिकेटर हो दूसरे आयाम के दो इंडिकेटर हो और आखिरी के आयाम के सात इंडिकेटर हो तो तीन आयाम है हेल्थ स्वास्थ्य एजुकेशन और लाइफ स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन सब याद रखना है आपको कि भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के कौन कौन से आयाम हैं अगर आप इंडिकेटर देखना चाहते हैं तो स्वास्थ्य में पोषण एक आयाम इंडिकेटर है बाल और किशोर मृत्यु दर दूसरा इंडिकेटर है मात्र स्वास्थ्य तीसरा इंडिकेटर है शिक्षा के लिए पहला इंडिकेटर स्कूली शिक्षा के वर्ष है दूसरा इंडिकेटर स्कूल में उपस्थिति है फिर जीवन के स्टैंडर्ड में पहला इंडिकेटर खाना पकाने का ईंधन कैसा है स्वच्छता मतलब शौचालय की व्यवस्था है या नहीं है क्या वहां स्वच्छ जल उन्हें मिल पाता है कि नहीं क्या बिजली का कनेक्शन है या नहीं आवास है या नहीं क्या उनके पास कोई प्रॉपर्टी है या नहीं और उनके बैंक अकाउंट कैसा है बैंक खाता कैसा है बारह संकेतकों के द्वारा दर्शाया गया है तो मैं वो बारह संकेतक आपको पुनः दिखाना चाहूंगा और फिर हम क्वेश्चन पर भी आएंगे तो तीन इंडिकेटर्स है हेल्थ है तीन इंडिकेटर्स है हेल्थ है पहला दूसरा एजुकेशन है और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो हेल्थ है उसमें तीन प्रकार की हेल्थ है कि वहां पोषण की व्यवस्था कैसी है दूसरा है कि वहां पर बाल्य और किशोर मृत्यु दर कैसी है क्योंकि माना जाता है जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तो स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर नहीं होती इसलिए ऐसी जगह पर किशोर या बाल्य अवस्था में मृत्यु होती है मातृत्व स्वास्थ्य कहने का अभिप्राय यह है कि अगर गरीबी है तो कहीं ना कहीं माता के अंदर एनीमिया से लेकर कई प्रकार की समस्याएं देखने में आती हैं। एजुकेशन में दो है कि, कि कितने वर्ष वो विद्यालय जाते हैं और कितनी अटेंडेंस है जनरली पाया गया है कि जब व्यक्ति के पास संसाधन नहीं होते तो स्कूल अटेंडेंस कम हो जाती है फिर उसके बाद सात इंडिकेटर हैं कि वहां भोजन बनाने के लिए कौन सा ईंधन उपयोग कर रहे हैं चूल्हे पर खाना बना रहे हैं कि एलपीजी पर खाना बना रहे हैं शौचालय की व्यवस्था है या नहीं स्वच्छ जल मिल रहा है कि नहीं मकान है या नहीं इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं किसी प्रकार की संपत्ति है या नहीं और एक जोड़ा गया है बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट और मेटरनल हेल्थ ये जो दो चीजें जोड़ी गई हैं ये हमारे देश में ही जोड़ी गई है बहुआयामी में ये दोनों चीजें नहीं शामिल की गई है देखो बैंक अकाउंट इसलिए माना जाता है कि अगर एक व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट है मतलब कहीं ना कहीं उसके पास कोई ना कोई धन संग्रहित करने की क्षमता हो सकती है और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं उसके गरीबी से निकलने की भी संभावना रहेगी ये प्रश्न पूछा गया था सी डी एस पिछले साल 2023 में इसी साल सॉरी कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सम्मिलित है तो स्कूली शिक्षा के वर्ष सम्मिलित है पर साक्षरता दर की कही बात नहीं है आयु की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की कही बात नहीं कही हमने और प्रति व्यक्ति आय की बात नहीं कही ये मानव विकास में होता है जैसे प्रति व्यक्ति आए मानव विकास कि भाई देश में विकास कितना हुआ हम एक प्रकार से लाइफ एक्सपेक्टेंसी विकास के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन गरीबी के लिए हम जो यूज कर रहे स्कूली शिक्षा पोषण मातृत्व लाभ मातृत्व स्वास्थ्य की बात करेंगे बाल्य और किशोर मृत्यु की बात करेंगे या फिर शौचालय की व्यवस्था है या नहीं तो समझिएगा एक तरफ हम बात कर रहे हैं मानव का विकास तो जहां पर मतलब हम बात करें देश तरक्की कर रहा है कि नहीं तो ये देश की तरक्की में यूज हो सकते हैं लेकिन गरीबी कितनी है उसको हम डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हम उन चीजों पर गौर करेंगे जो एक साधारण जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजों में शामिल करते हैं तो भारत के जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसमें कौन सा संकेतक सम्मिलित है स्कूली शिक्षा के वर्ष आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए इससे आपको आइडिया लगेगा कि सवाल यूपीएससी कैसे बनाती है मैंने आपको तीन इंडिकेटर बताए जहां जहां मैं निशान लगा रहा हूं राइट का समझ जाइएगा लिखना है और मैं कहूंगा अगर ये भी लिख देंगे तो कोई बुरा नहीं है क्योंकि सीधा सवाल इस पर से भी बन सकता है जैसे कि अगर हम बातचीत करें कैलकुलेटिंग हेड काउंट रेशो जो एक प्रकार से दिखाया गया है कि वेटेज जितना होता है तो इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है हेड काउंट इंटेंसिटी निकालने का एक फार्मूला है मल्टी पावर पावर्टी इंडेक्स फाइनली कितना हो जाएगा तो हेड काउंट कितना आया और इंटेंसिटी कितनी है इन दोनों के प्रोडक्ट को ही कहा जाता है एम पी आई मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स देश का इतना गणितीय फार्मूला अगर आपके पास ना भी हो तो घबराना नहीं मैं ये कहूंगा कि इसको कोई याद रखने की जरूरत नहीं लेकिन तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए कि उसका जो आधार है हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है टोटल बारह इंडिकेटर्स के आधार पर हेल्थ के तीन है एजुकेशन के दो है ये वन बाय है सॉरी ये वन बाय टू है और हम कहेंगे कि यहां ये वन बाय थ्री ये सॉरी वन बाय थ्री रहेगा बट ये दो हिस्सों में बटेगा और वन बाय थ्री जो इन सात इंडिकेटर्स को दिया गया है फिर इसमें याद रखिएगा कि जो मल्टी पावर्टी इंडेक्स या मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स देश में निकाला जाता है उसमें फार्मूला क्या है तो उसमें फार्मूला है कि हेड काउंट रेशो हेड काउंट रेशो और गरीबी की तीव्रता इन तीव्रता इन दोनों के मल्टीप्लाई को ही है एमपीआई कहते हेड काउंट हेड काउंट मतलब वहां पर तीनों ये जो डाटा निकाला गया था जो तीन डायमेंशन में वो टोटल वैल्यू कितनी आ रही तीनों डायमेंशन की हेड काउंट रेशो इनटू इंटेंसिटी ये फार्मूला नोट कर लेना चाहिए आपने कि ये गरीबी निकालने का फार्मूला है हालांकि औपचारिक रूप से स्पष्ट नहीं है कि सूचकांक को प्रतिवर्ष जारी किया जाएगा अथवा हर दो वर्ष पर यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी ऐसी कोई बात फिक्स नहीं की गई है कि क्या ये हर साल आएगा या हर दो साल में आएगा लेकिन अभी फिलहाल में जून के बाद ये आया है हम कह सकते हैं कि 2023 हजार दो साल के अंतराल पर क्योंकि पहला संस्करण 2021 में जारी किया गया था जबकि दूसरा संस्करण इस वर्ष जून 2023 में आया है अब आते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक के डाटा के बारे में ये रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो नीति आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है हिंदी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इस वर्ष जून में नीति आयोग के द्वारा दूसरा संस्करण जारी या दूसरा संस्करण राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण दो हजार के आधार पर तैयार किया गया है मतलब इसमें जो डाटा लाए गए हैं वो हमारे देश के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आधार पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पांचवा निम्नलिखित आधार पर भारत के विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का आकलन करता है कि राज्य में प्रजनन क्षमता या शिशु बाल मृत्यु दर क्या निकली परिवार नियोजन के लिए राज्यों में क्या कार्यक्रम चल रहे हैं मात्र और शिशु स्वास्थ्य कैसा है प्रजनन स्वास्थ्य कैसा है पोषण एनिमिया की बातचीत स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग और गुणवत्ता तो ये याद नहीं रखना है लेकिन ये पॉइंट जरूर याद रखना है सभी लाल लालियों को कि ये जो आंकड़े लाए जा रहे हैं कि नीति आयोग कहीं से सर्वे कर नहीं रहा है बल्कि नेशनल फैमिली सर्वे फायू का ही यूज करके इसको केवल कैलकुलेट कर रहा है मतलब आंकड़े सर्वे के लिए जा रहे हैं इसके लिए अलग से कोई सर्वे नहीं हो रहा है आइए जरा देखते हैं क्या कहते हैं ये आंकड़े सबसे पहला डाटा तो ये है कि 2015-16 और वर्ष 2019 21 -20 के बीच भारत में मल्टी डायमेंशनल पावर्टी में जो लोग थे उनमें अब कमी आई है कितनी कमी आई है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट 2024 और 25 का मेंस लिखने वालों के लिए इस अवधि में मतलब 15-16 से 19-21 लगभग पांच साल ले लीजिए आप पांच साल की अवधि में हमारे देश ने साढ़े तेरह करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है पहला आंकड़ा इस रिपोर्ट का साढ़े तेरा करोड़ लोगों को हमारे देश की सरकार ने इन पांच वर्षों में गरीबी से बाहर निकाला है गरीबी से बाहर निकाला है इन पांच वर्षों में और गरीबी में जो ज्यादा कमी देखी जा रही है वो ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में ग्रामीण क्षेत्र में बत्तीस दशमलव पांच नौ प्रतिशत गरीबी थी जो कि 2019 21 अगले पांच वर्ष में मतलब ये केवल उन्नीस दशमलव दो आठ परसेंट हो गई है ये दूसरा आंकड़ा यदि आप 2024 और 25 का मीन्स लिखना चाहते हैं गरीबी के आंकड़े आप कई जगह यूज कर सकते हैं जब आपको इकोनॉमिक्स में भारतीय विकास और उससे जुड़ी चुनौतियों को दर्शाना होगा तो आप इन आंकड़ों का यूज कर सकते हैं भारतीय समाज को दर्शाना होगा तो इन आंकड़ों का उपयोग कर सकते हैं पॉलिटी में यदि आपको असमानताओं को दर्शाना है तो इन आंकड़ों को यूज कर सकते हैं यदि आपको रिजर्वेशन को समझाना है इन आंकड़ों को यूज कर सकते हैं ये वो आंकड़े हैं जिसके माध्यम से आप इन बातों को सत्यापित करते हैं कि हमारे देश में सरकारी कार्यक्रमों की क्यों जरूरत होती है ये वो आंकड़े हैं जिसके माध्यम से आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे देश में अभी कितनी सारे चैलेंजेस में गरीबी अभी भी कितना बड़ा चैलेंज है इनके माध्यम से आप ये भी बता सकते हैं कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है वही इस अवधि में जो शहरी गरीबी थी शहरी गरीबी की जो दर है ये तो सॉरी मैंने गरीबी का परसेंटेज बताया ये गरीबी की जो रेट थी रेट है ये सॉरी शहरी गरीबी की जो रेट थी वो 8.65 परसेंट से घटकर अब 5.27 परसेंट हो गई है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आंकड़े बताए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में संख्या के आधार पर संख्या के आधार पर रेट के आधार पर नहीं संख्या के आधार पर सबसे बड़ी गरीबी कम हुई है तीन दशमलव चार तीन करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासियों को इस गरीबी के चक्रव्यूह से मुक्त किया गया है तो सबसे बड़ा परिवर्तन यूपी के क्षेत्र में हुआ है 2015 से 2021 22 मैं पुनः बता दूं कि यह आंकड़े नीति आयोग के हैं बिहार में पूर्ण रूप से मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स मूल्य में सबसे तेज गिरावट आई है नंबर वाइज सबसे तेजी से जनसंख्या सबसे ज्यादा लोगों को गरीबी से निकाला है तीन दशमलव चार तीन करोड़ लोगों को हमारे देश के साढ़े तेरह करोड़ लोग इन पांच वर्षों में गरीबी से बाहर निकले जिसमें अकेले यूपी से तीन दशमलव चार तीन करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले पर परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा तेजी से गरीबी कम कहां हुई है परसेंटेज वाइज तेजी से गरीबी में जो कमी आई है वह बिहार में आई है उसके बाद मध्य प्रदेश में बिहार में फिर मध्य प्रदेश में और फिर उत्तर प्रदेश में परसेंटेज वाइज परसेंटेज वाइज क्योंकि परसेंटेज इसलिए कह रहे हैं यूपी में कम होगा टोटल आबादी भी बहुत ज्यादा है तो सबसे परसेंटेज की कटौती बिहार में फिर एमपी और फिर यूपी में लेकिन नंबर वाइज सबसे ज्यादा कटौती यूपी में हुई है फिर अगर हम बातचीत करें तो 2015-16 की तुलना में हेड काउंट रेशो इंटेंसिटी और फिर उन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू को दिखाया गया है अगर आप देखेंगे तो जितना आंकड़ा आप यहां पर कम होता हुआ देख पा रहे हैं 117 से अब 0.066 पर हम पहुंच चुके हैं मतलब जन हमारी जो गरीबी है वो कम होती चली जा रही है तो इसमें क्या याद रखना चाहिए आपने आपने इसमें आंकड़ा याद रखना चाहिए कुछ अगर आप आंकड़े याद रखना चाहते हैं तो ओवरऑल गरीबी 2015 में ओवरऑल गरीबी हेड काउंट रेशो चौबीस दशमलव आठ पांच अब चौदह दशमलव नौ अगर हम बात करें रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में तो चेंजेस आपको दिख सकते हैं कि रूरल एरियाज में गरीबी में कितने चेंज आए हैं और अर्बन एरियाज में गरीबी में कितना चेंज आया है ये भी आपको पता होना चाहिए हेड काउंट का मतलब कितने प्रतिशत आबादी इंटेंसिटी का मतलब कि गरीबी का भी परसेंटेज कितनी गहरी गरीबी की बात हम कर रहे हैं आंकड़ों पर पुनः गौर करेंगे अगर तो हमने अभी देखा कि पावर्टी हेड काउंट रेशो कितना डिक्लाइन हुआ यहां पर लिख लिया अभी हमने 24 से 14 पर पहुंच चुके हैं यह भी हमने लिख दिया है तो सेम है साढ़े तेरह करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक अगर आप ध्यान से देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पहला गोल है गरीबी को कम करना हम इसको बहुत बेहतर तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वन को अचीव करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं बारह इंडिकेटर्स सा है ये सारी बातें हम इसमें लिख चुके हैं ऑलरेडी फिर सबसे फास्टेस्ट डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर इन रूरल एरियाज ग्रामीण क्षेत्र में कितनी कमी आई है ये भी मैंने लिखवा दिया अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण में 32 से 19 हुआ है शहरी में 8 से सीधा 5 पर आ गए हैं ये डाटा हम लिख चुके हैं पीछे अगर हम बातचीत करें इंटेंसिटी में भी कमी आई है गरीबी की इंटेंसिटी में भी कमी आई है यह आंकड़े आपको याद रखने हैं तीन इसके आयाम है पहला पोषण दूसरा शिक्षा तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड अगर हम बातचीत करें तो इसके तीन आयाम है सबसे ज्यादा संख्या में गरीबी को हमने कम किया या गरीबी गरीबी से बाहर निकाला यूपी में परसेंटेज वाइज बिहार एमपी और फिर यूपी की हमने बात कही है ये सब फिर आंकड़े आपको दिखाए गए हैं 2019 और 15 के 16 के कंपैरिजन में कि देखो कितना चेंज आया है हर जगह पर लगातार गिरावट तो एक रिजल्ट मतलब इसको याद नहीं रखना लेकिन इतना जरूर याद रखना कि लगभग सभी स्टैंडर्ड में सभी जो आयाम बनाए गए हैं सभी आयाम में कमी आई है तो मेरे हिसाब से मैं आपको समरी करके बता दूं कि नीति आयोग ने 2021 में सबसे पहले लाया था तीन आयाम बारह इंडिकेटर दूसरा संस्करण साढ़े तेरह करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला यूपी में सबसे ज्यादा गरीबी से निकाला गया परसेंटेज वाइज बिहार एमपी और यूपी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सभी स्टैंडर्ड में 2015-16 की तुलना में उन्नीस इक्कीस में गिरावट दर्ज हुई है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आंकड़े हमें बता रहे हैं कि हमारे देश में मल्टी डायमेंशनल पावर्टी जो थी वो धीमे धीमे कम हो रही है फिर एक कंसेप्ट होता है गरीबी या पावर्टी ट्रैप गरीबी जाल व्यक्ति को वास्तविक रूप में मैं आपको बताऊं कि कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि जितने भी लोग गरीबी से जूझते हैं वे अपने आप को गरीबी से मुक्त करने के लिए एक शक्ति की कल्पना करते हैं मतलब अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे कि जितने भी लोग होते हैं जो गरीबी से जूझ रहे होते हैं तो वे सोचते हैं कि उनके दुखों को उनकी गरीबी को कोई शक्ति आएगी और समाप्त कर देगी लेकिन मैं आपको यहाँ एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं इसी पॉइंट से ये बात बिल्कुल सही है कि कभी भी कोई व्यक्ति अगर गरीबी के दुष्चक्र में उस जाल में फंसा है तो उसे उस गरीबी के जाल से निकालने के लिए एक अतिरिक्त शक्ति की जरूरत पड़ती है जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं थ्रस्ट का मतलब है एक ऐसा बल जो सरकार के माध्यम से उन्हें मिलना चाहिए कई बार मैंने देखा है कि समाज में जब सरकार गरीबों के लिए कोई कार्यक्रम लाती है तो मध्यम वर्ग के लोगों में भावना पनपती है कि सरकार गरीबों को सब मुफ्त में देकर कहीं ना कहीं उन्हें लेजी बना रही है लेकिन वास्तविक रूप में गरीबी केवल सरकार के द्वारा जो दी गई योजनाएं हैं वो केवल उन्हें एक सपोर्ट करेगी और यदि उस सपोर्ट में वह थोड़ा बहुत भी अपना एफर्ट लगा दे तो शायद वो अपनी जिंदगी को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाल सकते हैं तो मुझे नहीं पता कि कोई परमात्मा या कोई नेचर या कोई भगवान गरीबी के दुष्चक्र से निकाल पाएगा या नहीं लेकिन मैं ये निश्चित कहूंगा कि यदि सरकार बेहतर तरीके से योजनाओं को बनाकर उसका सही क्रियान्वयन करे तो वह अतिरिक्त थ्रष्ट वह अतिरिक्त बल प्रदान किया जा सकता है जिसको एक गरीबी के दलदल से निकाला जा सकता है जैसे किसी व्यक्ति को दलदल से निकालने के लिए एक अतिरिक्त बल की जरूरत होती है वैसे ही देश में कहीं पर भी गरीब व्यक्ति को इस गरीबी के दुष्चक्र से निकालने के लिए सरकार के हाथ की जरूरत पड़ती है जिसमें वह बेहतर शिक्षा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और बाकी चीजों को प्राप्त कर पाता है यदि वह चीजें उसको मिल जाएगी तो शायद उसकी आने वाली पीढ़ी मजबूत बनेगी आने वाली पीढ़ी अगर मजबूत बन गई तो केवल उसे लाभ नहीं होगा बल्कि पूरे देश को फायदा होगा कि अब हमारे पास पुनः एक मजबूत लोगों का साथ होगा जो देश की तरक्की में मददगार होगा हमने ऐसा कई बार देखा है कि लोग ये सोचते हैं सरकार मुफ्त का अनाज बांट रही है मैं आपको बता दूं कि गरीबी केवल अनाज बांटने से खत्म नहीं हो सकती या कोई व्यक्ति केवल अनाज प्राप्त कर ले तो जिंदगी की सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती सरकार का अनाज कार्यक्रम उस व्यक्ति को बेहतर पोषण प्रदान करने के लिए है ताकि वह व्यक्ति अगर बेहतर पोषण प्राप्त कर लेगा तो शायद अपने स्किल का अपने शरीर का अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पाएगा और शायद अपने आप को वह गरीबी के दुष्चक्र से निकाल पाएगा यहां पर थोड़ा सा समाज में भी इस तरीके की अवेयरनेस जरूरी है कि लोग ये समझे कि गरीबों को मदद करने का मकसद देश को कल्याण के मार्ग पर ले जाना है विकास के मार्ग पर ले जाना है यदि देश का प्रत्येक नागरिक संपन्न होगा प्रत्येक नागरिक अच्छे स्किल वाला और बहुत अच्छे शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर लेगा तो अंततः लाभ नागरिकों को ही देश को ही होगा इसलिए ये सोचना कि गरीबों को मुफ्त में अनाज दे देने से गरीबों को थोड़ा बहुत पेंशन दे देने से समाज में गरीब लोग काम नहीं करेंगे ये बिल्कुल मूर्खता भरी बातें हैं ये वही व्यक्ति हैं जिनके मन में कुंठाएं भरी पड़ी है आइए निर्धनता का जाल क्या है जब हम बात करते हैं निर्धनता की तो गरीब व्यक्ति की बहुत ही कम इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है मतलब क्योंकि उसका शोषण बहुत ज्यादा होता है जब उसकी ग्रोथ कम होती है तो लो इनकम होती है अगर इनकम कम हो गई तो उसकी बचत कम होगी और जब बचत कम होगी तो वह निवेश भी नहीं कर पाएगा ना मकान खरीद पाएगा ना कोई जमीन खरीद पाएगा ना किसी प्रकार की संपत्ति खरीद पाएगा और इसका परिणाम होगा कि उसकी पुनः ग्रोथ कम होगी या जब वो लो इनकम की बात करेगा तो लो इनकम के कारण वह एजुकेशन और स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका बजट बिगड़ जाता है अगर उसके बच्चे की तबीयत खराब है तो वह कोशिश करता है कि बच्चा खुद ही सुधर जाए अगर उसके बच्चे की तबियत खराब है तो कोशिश करता है कि किसी बाबा के पास मंदिर मस्जिद जहां पर भी तबियत सुधर सकती है लोग इसको सोचते हैं कि वो अंधविश्वासी है मेरा मानना है वह अंधविश्वासी नहीं वो मजबूर है वह कोशिश में लगा है कि, कि किसी तरीके से उस बजट में उसकी जिंदगी चल जाए जितना कि वह कमा पा रहा है तो जब वो हेल्थ और एजुकेशन पर कम खर्च करेगा तो उसका जो भी बच्चा आने वाले समय में बड़ा होकर कार्य करने योग्य होगा वो उतना स्किल वाला नहीं होगा जब उतना स्किल वाला नहीं होगा तो वह लो प्रोडक्टिविटी करेगा निम्न उत्पादकता करेगा और जब वो निम्न उत्पादकता करेगा तो पुनः वह कम सेविंग करेगा कम सेविंग करेगा तो कम इन्वेस्टमेंट करेगा और कम इन्वेस्टमेंट करेगा तो मुझे लगता है कि वह नो इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण पुनः इस चक्रव्यूह में फंस जाएगा जैसे मुझे याद आता है मतलब मैं आपको अपनी ही जिंदगी के उदाहरण बताऊं क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश में पूरे कक्षा एक से लेकर कक्षा दस तक मेरी पढ़ाई गांव में हुई है भले ही मेरे रंग रूप से मेरे स्टाइल से विद्यार्थी शायद यकीन ना करें लेकिन मैं शुद्ध रूप से गांव में पढ़ा हूं तो जब मैंने देखा है क्लास पांच में जब मैं पढ़ता था तो मेरे साथ पढ़ाई में बहुत अच्छे बच्चे थे खास करके एक दो गरीब बच्चे मुझे अभी भी याद हैं कि वो पढ़ाई में काफी अच्छे थे लेकिन गरीबी के कारण माता पिता के उन पर ज्यादा निवेश शिक्षा पर न करने के कारण कहीं ना कहीं उन्हें अपनी शिक्षा समय से पहले छोड़नी पड़ी और जब वो समय से पहले शिक्षा छोड़ चुके थे तो आज वह ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं पुनः मजदूरी या फिर कोई छोटा मोटा काम करके जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें अब वर्तमान के इस संकट में मतलब इस समय की महंगाई इस समय की परचेसिंग पावर और इस समय की जो जरूरतें हैं डिमांड है उसके आधार पर यदि बात करें तो वह पहले की तुलना में ज्यादा गरीबी के चक्र में फंस गए हैं तो आपने भी अपनी जिंदगी में देखा होगा शायद कई लोगों को कि जो केवल स्कूल को इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके पास वो पर्याप्त रिसोर्स नहीं थे जिससे वह अपनी शिक्षा को बेहतर कर सकते थे कहने का अभिप्राय यह है कि जब कभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश कम होता है तो उसका परिणाम वह जाल पैदा होता है वो निर्धनता का दलदल पैदा होता है जिससे निकल पाना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है या तो फिर उस व्यक्ति की कोई लॉटरी निकल जाए या तो वो व्यक्ति सरकार के द्वारा किसी कार्यक्रम के माध्यम से अचानक अपने आप को बेहतर लाभान्वित कर सके और उसके कारण कहीं ना कहीं लोगों की गरीबी दूर हो पाती है इसीलिए मैंने कहा कि गरीबी से निकालने के लिए जरूरी होता है एक ऐसा थ्रस्ट एक ऐसा बल जो उन्हें उस दलदल से बाहर निकाल सके अब हम बातचीत कर रहे हैं कि गरीबी रेखा के निर्धारण में चैलेंजेस क्या है मैंने इसकी चर्चाएं पिछले क्लास में भी आपके साथ की थी कि हमारे देश में गरीबी की समस्या के समाधान से भी बड़ी समस्या है कि गरीब कौन है पहले यही तय करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि यह कैसे तय करे कि गरीब कौन है कोई कहता है कि गरीबी को भोजन से देखकर भोजन की कमी से जोड़ा जाए कोई कहता है कि नहीं ये तो न्यूनतम आवश्यकताओं से जोड़ा जाए लेकिन उसमें भी एक बड़ा चैलेंज है कि यदि हम एक न्यूनतम कमाई की बात करें तो वो उसके खर्चों के आधार पर गरीबी को डिसाइड करे कि उसकी कमाई के आधार पर क्योंकि यदि कोई व्यक्ति पांच रुपए कमाता है और खर्च केवल सौ रुपए कर रहा है तो क्या वो गरीब है या नहीं है तो ये जरूरी है गरीबी रेखा के निर्धारण में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं सरकार ने गरीबी रेखा का निर्धारण मेरे हिसाब से मल्टी डायमेंशनल के आधार पर करना चाहिए जिसमें कई बातों को शामिल करना चाहिए जैसे मान लीजिए कि अगर मैं अर्थशास्त्री होता मैं एक उदाहरण बता रहा हूं कि अभी उतना ज्ञान तो शायद इकोनॉमिक्स में, में मेरे पास नहीं है लेकिन अगर मैं अर्थशास्त्री होता तो मैं गरीबी का निर्धारण कैसे करता मैं गरीबी का निर्धारण करता कि देखो भाई महंगाई को हम 6 परसेंट मान लेते हैं कि 6 परसेंट की महंगाई रहेगी एक व्यक्ति को एक साल में भोजन का खर्चा अगर आप पकड़ लीजिए तो एक साल में खाना पीना लगभग मान लेते हैं कि आठ हजार रुपए का खाना पीना साल भर में लगता है या फिर अगर आप इसको निकालना चाहे थोड़ा और बेटर तरीके से तो एक टाइम का खाना मेरे हिसाब से इस समय पचास रुपए का आ जाना चाहिए पचास का नहीं आ रहा होगा तो सौ रुपए का पकड़ लेते हैं मतलब सौ रुपए का छत्तीस हजार पांच सौ रुपए एक महीने खाने के हो गए कपड़े की बात करें तो साल भर में दो जोड़ी कपड़े लगते हैं लगभग पंद्रह सौ रुपए के कपड़े पकड़ लीजिए फिर उसके बाद मकान का किराया पकड़ लीजिए कि एक व्यक्ति को अगर एक कमरे का भी मकान कहीं लगता होगा तो साल भर का किराया बारह हजार रुपए पकड़ लिया जाए इंटरनेट और मोबाइल बहुत जरूरी हो गया है जिंदगी में आजकल साधारण सा मोबाइल भी लेंगे तो तीन चार हजार और इंटरनेट लगभग दो हजार तो पांच हजार रुपए का मोबाइल का खर्च पकड़ लीजिए और उसके बाद फिर उसके स्वास्थ्य और शिक्षा पर अगर खर्च करें तो साल भर का स्वास्थ्य और शिक्षा पर मेरे हिसाब से पंद्रह हजार रुपए या अठारह हजार रुपए का खर्च पकड़ लीजिए तो मेरे हिसाब से अगर मैं गरीबी के निर्धारण की बात करता तो छे और एक सात और दो नौ नौ और आठ सत्रह सत्रह और पांच बाईस तीन और दो पांच पांच और दो सात बहत्तर हजार मतलब बारह से डिवाइड कर लीजिए जो व्यक्ति छह हजार रुपए प्रति माह छह हजार रुपए प्रति माह तीस से डिवाइड कर देता मैं तो मैं कहता जो व्यक्ति दो सौ रुपए प्रतिदिन आज खर्च ना कर सके जो व्यक्ति प्रतिदिन दो सौ रुपए खर्च ना कर सके मेरे हिसाब से गरीब है भारत में जिसकी भी आय बहत्तर हजार रुपए से कम है वह गरीबी रेखा में रखा जाए लेकिन अब मैं बताऊंगा कि आप कहेंगे सर बिल्कुल आप सही जा रहे हैं और ऐसा होना चाहिए लेकिन यहां एक बदमाशी हमारे भारतीयों की भी है सही बताते भी तो नहीं है अगर सरकार एक सही सही कैलकुलेशन करके एक सही डाटा निकाले और बहत्तर हजार रुपए जैसे बड़े वैल्यू को गरीबी निर्धारण में करें तो मैंने ऐसे कई आय प्रमाण पत्र गांवों में देखे हैं मुझे लगता है आपने भी देखे होंगे गांव में ऐसे कई प्रमाण पत्र हैं जहां चौधरी है चौधरी का मतलब आप समझिएगा प्लीज इसे जातिवाचक ना समझिएगा मतलब गांव में मुखिया हैं गांव में बहुत बड़ा जमींदार है गांव में बहुत संपन्न व्यक्ति है पर उसके आय प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है कि वो बीस हजार रुपए साल के कमाता है तो थोड़ा बदमाशी तो हमारे भारतीयों की भी है भारतीयों की सही सही आय अगर आपको देखनी है तो दो ही जगह पता चलती है पहला एक तो उनके पुत्र या पुत्री का विवाह होता है तब पता चलता है कि वास्तविक रूप में कितना कमाते क्योंकि जो व्यक्ति जितना खर्च करेगा मान लीजिएगा कि कमाई की क्षमता उसके अनुसार होगी कुछ जगह पर मजबूरी में खर्च करना पड़ता है वो बात अलग है या फिर दूसरा जब वो अपना मकान बना रहे होते हैं इसलिए मेरे हिसाब से गरीबी के रेखा का निर्धारण करना अर्थशास्त्रियों के लिए ही नहीं सरकार के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है देखो अगर गरीबी का रेखा मेरे अनुसार अगर मान लीजिए कि मोदी जी ने आज मेरा लेक्चर देखा और कहे गए कि बहुत बढ़िया इसको मान लेते हैं तो शायद उनकी सरकार अगली बार संकट में आ जाएगी क्योंकि अगर बहत्तर हजार रुपए के आधार पर गरीबी निकालने चले गए तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में 45 प्रतिशत से ज्यादा गरीबी निकल कर आ जाएगी मतलब लोग ज्यादा गरीब हो गए ऐसा मान लिया जाएगा क्योंकि आंकड़ों का खेल है तो गरीबी के रेखा के निर्धारण में चुनौती केवल अर्थशास्त्री के लिए नहीं है सरकार के लिए भी है क्योंकि सरकार अगर गरीबी की रेखा वही पुरानी वाली लेकर चलेगी तो नो डाउट गरीबी कम हो गई होगी क्योंकि महंगाई के कारण ऑब्वियसली अब तो लोगों की इनकम उतनी हो ही गई होगी जैसे 1900 जैसे उन्नीस में मान लीजिए कि गरीबी की रेखा थी बीस रुपए प्रति माह या बीस रुपए प्रति माह को अगर मैं बात करूं तो वार्षिक दो रुपए से कम जो कमाता था वो गरीब है अगर इस गरीबी रेखा पर मैं आज देश की गरीबी निकालू तो मुझे लगता है कि सारे लोग अमीर हो गए क्योंकि एक भिकारी भी साल भर में दो रुपए से ज्यादा कमा लेता होगा तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गरीबी रेखा का डिसीजन लेना और उसको तय करना क्यों चैलेंजेस हैं क्योंकि आंकड़े बदलते हैं तो थोड़ा सा हमारे लोगों को भी एजुकेटेड होना पड़ेगा कि जब गरीबी रेखा के आधार पर कोई आंकड़े आते हैं तो ये देखना चाहिए कि वो गरीबी रेखा क्या पहले से ज्यादा बेहतर परिभाषा देकर बनाई गई है और अगर पुरानी ही आधार पर बनाई गई है तो आंकड़े तो तेजी से कम होने चाहिए इसलिए गरीबी रेखा के निर्धारण में बहुत सारी चुनौतियां मानी जाती है निर्धनता रेखा को परिभाषित करने का कोई स्टैंडर्ड नहीं है प्राय लोगों के न्यूनतम उपभोग की, की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही इसे परिभाषित कर दिया जाता है परंतु न्यूनतम उपभोग क्या है यह भी एक विवादास्पद प्रश्न है सटीक और प्रमाणिक आंकड़ों का इस कारण से अभाव होता है क्योंकि जब तक गरीबी रेखा आज हम सुरेश तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी के आधार पर जो गरीबी तय की गई थी हजार रुपए और चौदह सौ रुपए इन चौदह सौ रुपए के आधार पर 2023 में अगर गरीबी निकालने जाएंगे तो नो no डाउट गरीबी तो कम ही मिलेगी सवाल है कि क्या इन ग्यारह वर्षों में महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी तो इन ग्यारह वर्षों में जो महंगाई बढ़ी उसको एडजस्ट करते हुए गरीबी रेखा की एक नई परिभाषा आनी बहुत जरूरी है यह सरकार का दायित्व तो है कि वह समय समय पर गरीबी रेखा के डाटा को भी अपडेट करे और गरीबी रेखा को भी अपडेट करे ये दायित्व हमारे कार्यपालिका का है कि वह सही प्रकार के आंकड़ों को प्राप्त करना चाहती है तो पहले उसका आधार सही लेकर आ जाए ग्रामीण बनाम शहरी जनसंख्या पर हमारे पास आंकड़े होने चाहिए बहुत ही स्पष्ट असमान विकास का रीजन क्लियर होना चाहिए और असंगठित क्षेत्र लगातार सरकारी नौकरियों की कमी और साथ ही साथ जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनमें भी नौकरियों में कमी आ जाने के कारण एक बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कहीं ना कहीं कि असंगठित क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है असंगठित क्षेत्र जो सरकार के पास रजिस्टर्ड नहीं होता है जहां पर एक प्रकार से कोई नियमों का पालन नहीं होता जैसे निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूर खेती में लगे हुए मजदूर घर में काम करने वाली काम वाली जो बाई होती है वो असंगठित क्षेत्र या फिर जहां पर भी कोई रजिस्टर्ड नहीं है जैसे कि रास्ते में जो दुकानें लगी होती हैं, वहां जो काम करने वाले मजदूर होते हैं लोग होते हैं वो भी असंगठित क्षेत्र से आते हैं वहां सुरक्षा बेहतर नहीं होती है रोजगार की और इसी कारण से गरीबी और भी चुनौतीपूर्ण बन जाती है क्या निर्धनता रेखा सीमा का निर्धारण आय के रूप में किया जाना चाहिए या उपभोग के रूप में एक चैलेंजेस ये भी है आय की तुलना में उपभोग अधिक सटीक मानक है क्योंकि यह वस्तुओं के वास्तविक प्रयोग को दर्शाता है जबकि आय केवल वस्तुओं को क्रय करने की क्षमता को दर्शाती है किसी सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए निर्धन लोगों को नगद धनराशि दे देना एक प्रकार से उनकी परचेसिंग पावर बढ़ा सकता है लेकिन रियलिटी में परचेसिंग पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंजम्पशन क्या वो उतना कंज्यूम कर पा रहा है या नहीं जितना कि एक मनुष्य जीवन को बेहतर जिंदगी मानते हुए कंज्यूम करना चाहिए इसलिए हमेशा ही आप समर्थन किसका करेंगे उपभोग का कि उपभोग को आधार बनाकर गरीबी रेखा बनाई जाए तो अगर हम एक सिंपल सी बात करें तो गरीबी रेखा की चुनौतियां आपको सामने मैंने बताई उपभोग की चुनौती है कि आय को शामिल करें गरीबी रेखा को थोड़ा सा डिटेल में कराए तो सरकार पर भी संकट आ जाते हैं गरीबी रेखा के निर्धारण का वर्तमान तरीका कितना कारगर और सटीक है गरीबी के आकलन में अनुमान की अधिकता आकलन का आधार और पैटर्न लगभग एक दशक पुराना है कोरोना महामारी जैसी परिस्थितियों के बाद गरीबी के आकलन में नवीन मानकों को सम्मिलित किए जाने की जरूरत है स्वास्थ्य शिक्षा आधारभूत संरचना की उपलब्धता के साथ ही न्याय तक पहुंच अवसरों की समता इंटरनेट उपभोग इन कारकों को अब शामिल किया जाना चाहिए समय बदल गया है 2012 का दौर कुछ और था 2023 का दौर कुछ और है कोरोना जैसी महामारी का सामना हम कर चुके हैं और सबसे बड़ी बात है वैश्विक स्तर पर बहुत बड़े बदलाव हमने देख लिए हैं इन दस वर्षों में हमारी विकास की रफ्तार बढ़ी है हमने कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्मेंस किया है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब समय आ गया है कि भारत अपनी एक बेहतरीन गरीबी रेखा का निर्धारण करे और गरीबों को सच में गरीबी के दुष्चक्र से निकालने के लिए कदम उठाए गरीबी बहुत सी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम है इसलिए गरीबी की समस्या को हल करने के लिए स्वयं गरीबी की संकल्पना से परे जाना होगा यह जानना काफी नहीं कि कितने लोग गरीब हैं बल्कि यह जानना महत्वपूर्ण है कि गरीब लोग कितने गरीब हैं शब्द पर जरा गौर करिएगा और डायलॉग यह जानना काफी नहीं कि कितने लोग गरीब हैं, बल्कि यह जानना इंपॉर्टेंट है कि गरीब लोग कितने गरीब हैं इंटेंसिटी कितनी है गरीबी की समस्या कितनी बड़ी है और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो गरीबी का डिसीजन ले रहे हैं वो गरीबी का डिसीजन किस आधार पर ले रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है गरीबी का डिसीजन लेते समय यह तय करना कि गरीबी में जो भी बातचीत चल रही है जो भी चर्चाएं चल रही हैं वह कितनी इंटेंसिटी के साथ बातचीत हो रही है अब एक बड़ा सवाल है कि दुनिया भर में अधिकतर सरकारों ने पिछले सत्तर वर्षों में विकसित देशों ने खास करके अपने यहां पर गरीबी को लगभग खत्म कर दिया लेकिन हमारे देश में गरीबी निश्चित ही 1950 की तुलना में कम तो हुई लेकिन समाप्त नहीं हो पाई तो गरीबी का कारण क्या है हमारे देश में बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये अंग्रेज हैं। जिन्होंने 200 वर्षों में 1498 में जब पहली बार पहली बार वास्को डिगामा के कदम देश में गिरे थे समुद्र मार्ग से तब देश में दुनिया भर का जितना व्यापार होता था एक तिहाई व्यापार हमारे देश का होता था दुनिया में मतलब दुनिया भर में अगर सौ रुपए का सामान खरीदा और बेचा जाता था तो थर्टी थ्री का सामान भारत से खरीदा जाता था या भारत को प्राप्त होते थे थर्टी थ्री रूपीज लेकिन यह बदमाश लोग जब हमारे देश को आजाद करके गए 1947 में, तब हमारे देश का दुनिया के व्यापार में हिस्सेदारी मात्र एक प्रतिशत रह गई थी हमारा 200 वर्षों तक इतना शोषण हुआ कि हम 33 परसेंट व्यापार से 1 परसेंट व्यापार पर आ गए चाइना की अमेरिका चाइना की अमेरिका कारण क्या है अमेरिका की अमेरिका कारण क्या है सबसे बड़ा कारण है इनका वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी इनकी वैश्विक व्यापार में भागीदारी सऊदी अरब कुवैत, यूएई, ये ईरान इराक यहां पर संपन्नता का कारण क्या है इनकी वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी भले वो पेट्रोल बेचकर क्यों ना आई हो हमारा देश भी संपन्न रहता यदि हम इतना ही ना सही मात्र 10 प्रतिशत भी वैश्विक व्यापार में आज भागीदारी कर दें इतने सत्तर वर्षों के बाद भी हम अभी दो से तीन प्रतिशत भागीदारी ही कर पाए हैं पर एक वो दौर था जहां दुनिया का एक तिहाई व्यापार भारत से होता था दूसरा 140 करोड़ की आबादी है हम 140 करोड़ अब ध्यान से सुनना जरा अमेरिका के 30 करोड़ लोग साल भर में लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर कमाते हैं कितना कमाते हैं 30 करोड़ लोग 30 ट्रिलियन डॉलर कमाते हैं हम एक करोड़ की आबादी 140 करोड़ की आबादी साल भर में तीन से चार ट्रिलियन डॉलर कमाने की कोशिश करते हैं मोटे तौर पर तीन ट्रिलियन डॉलर कमाने की कोशिश करते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी को कम भी दिखाता है ऐसा लगता है कि कई बार हमने कविताएं बड़ी बड़ी बना दी भारतीय लोगों की मेहनतों पर लेकिन परिणाम कुछ और बता रहे हैं आंकड़े कुछ और बता रहे हैं हमें अब कविताओं से बाहर निकलना पड़ेगा हमें अपने काम और अपनी एफिशिएंसी को न केवल बेटर करना होगा बल्कि हमें अपने परिणाम को अपनी रिजल्ट को भी बेहतर करना होगा तीस करोड़ अमेरिकी तीस ट्रिलियन डॉलर कमा लेते हैं और हम 140 करोड़ भारतीय साल भर में मात्र तीन ट्रिलियन डॉलर कमा लेते हैं यह बहुत बड़ा डिफरेंस है क्या यह लगता नहीं है कि यह बड़ा कारण है हमारे गरीबी का अगर हमारे देश के 140 करोड़ लोग 14 ट्रिलियन भी कमा ले तो शायद गरीबी आज ही दस पांच परसेंट से भी कम रह जाए चौदह ट्रिलियन डॉलर यह बहुत बड़ा सवाल है एक सौ चालीस करोड़ लोग दो सौ अस्सी करोड़ मोटे मोटे तौर पर हाथ काम कर रहे हैं अगर मान लीजिए कि चालीस करोड़ बच्चे और बुजुर्ग हो तो भी सौ करोड़ हाथ काम कर रहे हैं कहा गए हमारे हाथ जो अमेरिकन से कम उत्पादन करके दिखा रहे हैं यहां कंपटीशन करिए ना यहां लोग कंपटीशन नहीं कर रहे हैं उनका कंपटीशन कहां पर है कुछ ऐसे सेक्टर में जहां पर कोई किसी का लेना देना नहीं मध्य युग में थी धर्म की बातें और बाकी चीजें ये वो आधुनिक वैज्ञानिक युग है जहां हमें समझना पड़ेगा कि हमारे नागरिक के जीवन को बेहतर करने के अलावा हमारा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है ना हमें किसी भी प्रकार के धर्म की स्थापना पर काम करना है ना किसी भी प्रकार के धर्म के प्रायोरिटी को बताना है हमारा मकसद है हमारे नागरिक को बेहतर से बेहतर जीवन देना नागरिक का जीवन बेहतर हो जाएगा तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा 140 करोड़ लोग 140 करोड़ लोग और जीडीपी देश की उत्पादकता तीन ट्रिलियन राष्ट्रीय उत्पाद बहुत ही निम्न स्तर का है कम कृषि उत्पादकता एक तो हमारे पूरे जीडीपी में पंद्रह परसेंट का योगदान या सत्रह परसेंट का योगदान एग्रीकल्चर का और उसमें भी पचपन परसेंट लोग उसी पर निर्भर या तो एग्रीकल्चर का उत्पादन इतना कर दीजिए कि पचपन परसेंट लोगों को पर्याप्त कमाई मिल सके या फिर इन पचपन परसेंट लोगों को किसी एक बेहतरीन ऐसे कार्य में जोड़ा जाए ताकि उनके तकनीक उनके नॉलेज उनके संसाधनों का उपयोग किया जा सके बहुत बड़ा सवाल है कृषि उत्पादकता के आधार पर भी आर्थिक विकास मैं थोड़ा सा इससे सहमत नहीं हूं आर्थिक विकास तो बेहतर हुआ है लेकिन यहां मैं सेंटेंस देना चाहूंगा जॉबलेस ग्रोथ हमने बहुत अच्छा आर्थिक विकास किया है नो no डाउट मैं मानता हूं कि हमारा देश बहुत तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है लेकिन जिस रेट से आर्थिक प्रगति हो रही है उसी रेट से जॉब बढ़नी चाहिए थी उसी रेट से मैं कहूंगा कि हमारे देश में कहीं ना कहीं जॉब आनी चाहिए थी जॉबलेस ग्रोथ का करोगे क्या यदि देश के सौ लोग अरबपति से लेकर खरबपति बन गए और एक करोड़ लोग 140 करोड़ लोग गरीब ही रह गए क्या करोगे ऐसे ग्रोथ का ग्रोथ होनी चाहिए दस परसेंट की ग्रोथ की जगह पांच परसेंट की ग्रोथ हो लेकिन रोजगार चार परसेंट की ग्रोथ से बढ़ना चाहिए मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले जाता हूं शायद आपको ना पता होगा आपको सुनकर अचरज लगेगा कि 1978 में चाइना ने भी लगभग एलपीजी जैसा काम शुरू किया था कब किया था 1978 में हमने 1991 में एलपीजी को लाया था लेकिन हमारे और चाइना के एलपीजी में एक बहुत बड़ा अंतर था चाइना ने एलपीजी अपने मर्जी से और अपने देश के मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर करने के लिए लाया था हमने आईएमएफ के दबाव में लाया था हमने कर्जे को प्राप्त करने के लिए एलपीजी लाया था यही हमने बहुत बड़ी मार खा ली चाइना ने जब 1978 में एलपीजी लाया तब उन्होंने किसानों को जो जमीन दी जाती थी ज़मीन, जिस पर पूरी तरह से सरकार का हक होता था चाइना की सरकार ने कहा कि अब वो जमीन किसान की है उसे केवल जमीन का किराया देना है बाकी वो जितनी कमाई करना चाहता है वो उसके पास रखेगा चाइना के लोगों में वो अलग ही प्रकार का मोटिवेशन आया चाइना के हर घर के पीछे छोटे छोटे उद्योग लगाने की शर्त पहले ही चाइना की सरकार लगा चुकी थी अब उन उद्योगों को उन्हें सौंप दिया गया उन्हें कहा गया कि आपको केवल एक निश्चित धन देना है, बाकी आप जितनी कमाई करेंगे वो सब आपकी रहेगी। 1978 से पहले मैं आपको एक और उदाहरण दू 1980 में चाइना ने ओलंपिक में जब भाग लिया था तब चाइना के पास बड़े मुश्किल से दो या तीन गोल्ड मेडल आते थे चाइना केवल दो या तीन गोल्ड मेडल जीत पाता था चाइना ने 1980 के बाद खुलकर कह दिया कि अगले 20 वर्षों के लिए हम ओलंपिक में भाग नहीं लेंगे 20 वर्षों तक हर जिले में एक स्पोर्ट विद्यालय बनाया गया और पूरी तरह से तैयार की गई एक बेहतरीन युवाओं को जिसके अंदर काबिलियत होगी चाइना का प्रतिनिधित्व करने की वर्ष 2000 में ओलंपिक जब हुए तो चाइना की मेडल में सेकंड भी रैंक आई थी अमेरिका के बाद सोचिए किस सिस्टम के आधार पर काम हुआ होगा नो डाउट चाइना की साम्यवादी सरकार ने कुछ जगह पर बच्चों पर बहुत ज्यादा अत्याचार भी किए उनको बेहतर तरीके की ट्रेनिंग देने के लिए हम मान सकते हैं कि कुछ जगह पर अति हुई है लेकिन एक सोची समझी सिस्टमेटिक योजना के माध्यम से काम किया गया 1978 में यदि आप मुझसे पूछे कि भारत और चाइना का कंपेरिजन अगर मैं करूं जीडीपी का तो दोनों की जीडीपी लगभग बराबर थी 1978 में दोनों के पास चैलेंजेस लगभग बराबर थे लेकिन 1978 और ये 2023 लगभग इन 45 वर्षों में चाइना एक महाशक्ति बन चुका है और हम लोग अभी विकसित राष्ट्र बनने के लिए लगातार काम कर रहे हैं जरूरी है सरकार भी उस रूप में सोचे जैसे कि उनके द्वारा प्लानिंग की गई हम ये नहीं कह रहे कि उनकी कॉपी करिए लेकिन आप भी पूरी योजना के साथ एक प्लानिंग के साथ आने वाले पंद्रह वर्ष बीस वर्ष की योजना बनाइए ताकि देश के युवाओं को देश के नागरिकों को और हमारे देश की जनता को बेहतर जिंदगी दी जा सके तो ये डिफरेंसेस है 1978 में एलपीजी शुरू किया था चाइना ने हमने 1991 में 12 वर्षों का गैप था लेकिन आज 12 गुना गैप बढ़ चुका है जीडीपी और हमारे अंदर तो जॉबलेस ग्रोथ को मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा गरीबी के लिए जनसंख्या नो no डाउट जनसंख्या जिस तरीके से हमारे देश की है और बढ़ रही है जनसंख्या ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं है यहां सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मैं जनसंख्या हमारे आदर्श वृद्धि दर होती है टू पॉइंट वन जबकि इस समय तो हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि दर एक दशमलव चार तीन परसेंट से भी कम देखी गई है मतलब आदर्श जनसंख्या वृद्धि दर से भी कम हो गई है जनसंख्या वृद्धि दर लेकिन हमारी आबादी ही इतनी ज्यादा है अरे एक सौ चालीस करोड़ का अगर एक दशमलव चार परसेंट भी आबादी बढ़ रही है लाल लालियो तो लगभग दो करोड़ आबादी बढ़ रही है हर साल और इतनी बड़ी आबादी अगर बढ़ रही है तो इतने हर साल युवा भी बढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं तो इतनी आबादी को बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं पर्याप्त रोजगार पर्याप्त विकल्प मिलने चाहिए नहीं तो फिर यही युवा आबादी हमारे लिए चैलेंज खड़ी कर सकती है तो जनसंख्या का अत्याधिक दबाव भी गरीब बड़ा कारण है महंगाई जब भी मुद्रा स्फीति बढ़ती है तो सबसे बुरा प्रभाव मध्यम वर्ग पर पड़ता है क्योंकि मध्यम वर्ग ने जो थोड़ी बहुत सेविंग की होती है जिसके माध्यम से वो अपने आने वाली आय को बेहतर कर सकती थी वो तेजी से कम हो जाती है तो महंगाई को जितना नियंत्रित करके रखेगी सरकार नियंत्रित मतलब बंद या जीरो नहीं करनी ने तो फिर तरक्की रुक जाएगी महंगाई को चार परसेंट पांच परसेंट कॉन्स्टेंट रूप से आगे बढ़ने दीजिए देश में धीमे धीमे उस रफ्तार के कारण तरक्की भी होगी और लोग गरीबी के दुष्चक्र से भी निकल पाएंगे सरकार कुछ लोगों को गरीबी के दुष्चक्र से दलदल से निकालती है और पता चला कि कुछ और लोग अब दलदल में गिर गए महंगाई के कारण उनकी सेविंग खत्म हो गई वो पहले मध्यम वर्ग में आते थे अब गरीबी में आ गए हैं आय की असमानता का वितरण इस पर जरूर काम करना होगा देश की तरक्की हो लेकिन प्रत्येक नागरिक के जेब में पैसा आए देश का विकास हो लेकिन वो विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे केवल कुछ लोग संपन्न होते चले जाएंगे तो यह देश संकटों से घिरता चला जाएगा यदि कुछ लोगों की ही आर्थिक विकास होगा कुछ लोगों का ही कल्याण होगा तो यह चैलेंज होगा इसलिए हमें समानता के आधार पर समान वितरण के आधार पर सामाजिक सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं सामाजिक या मैं समाजवादी अर्थव्यवस्था पर काम करना होगा संसाधनों का केंद्रण कुछ लोगों के पास ही देश के मैक्सिमम रिसोर्स है रोकना पड़ेगा ऑक्टोपस क्लास बढ़ती जा रही है हमारे देश में ऑक्टोपस क्लास बताया था मैंने हर शहर में हर नगर में कोई दो से तीन परिवार देख लीजिएगा पता चलेगा उन्हीं की एक फैक्ट्री है पता चलेगा कि रोड बनाने का काम भी उन्हीं को दिया है पता चलेगा कि रेत की खदान भी उन्हीं की है कोयले की खदान भी उसी परिवार की है उन्हीं के बीस दुकान भी हैं, उन्हीं के तीस मकान भी हैं, ऐसे परिवारों को ऑक्टोपस क्लास कहते हैं यहां पर संसाधनों के वितरण पर काम करना होगा सरकार को और ध्यान देना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हर शहर में दो से तीन पांच दस परिवार ही पूरे शहर के संसाधनों को अपने पास समेट ना ले सभी को हक मिलना चाहिए सभी को मौके मिलने चाहिए यह ऑक्टोपस क्लास से भी बचना होगा नहीं तो गरीबी का दुष्चक्र और बढ़ता चला जाएगा बेरोजगारी जिसे मैंने पहले भी बताया जब तक रोजगार नहीं होंगे तब तक गरीबी का दुष्चक्र और बढ़ता चला जाएगा देश के पास अपर्याप्त पूंजी ये बिल्कुल बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि जब देश के पास यदि पूंजी अच्छी होती पूंजी मतलब एक प्रकार से संपत्ति होती तो शायद सरकार उस पूंजी को इन्वेस्ट करती उस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आने वाले टाइम में और बेटर होता हमारे देश ने पिछले वर्ष पूंजीगत खर्चे बढ़ाए हैं ये ता, मतलब एक तरीके से तारीफे काबिल है कि हमारे देश की सरकार ने पूंजीगत खर्चों को बढ़ाया है हमेशा याद रखिएगा जब भी पूंजीगत खर्चे बढ़ते हैं जब भी पूंजीगत खर्चों की वृद्धि होती है माना जाता है माना जाता है कि पूंजीगत खर्चों की वृद्धि होने पर देश तरक्की करता है पर पूंजी है तब पूंजी रहेगी तो ना सरकार लोन लेकर पूंजीगत खर्चे कर रही है कोई बुरा नहीं है लेकिन अगर हम अपने व्यापार को बढ़ा दे यदि हम अपने जीडीपी को बढ़ा दे यदि हम अपने देश में उत्पादन का कार्य बेहतर कर सके तो शायद हम अपनी पूंजी बढ़ा पाएंगे पूंजी बढ़ेगी तो पूंजीगत खर्चे भी बढ़ेंगे आधारभूत बेहतर सड़के बेहतर सड़कों के साथ साथ सुरक्षात्मक सफर होने चाहिए माल वहाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि देश में सप्लाई चेन मजबूत हो देश का कोई भी किसान अपने अनाज को जहां बेचना चाहे और बेहतर तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए कि उसके अनाज को कहीं पर पहुंचाना उसके लिए चैलेंज नहीं होना चाहिए जितना ज्यादा अवसरचना इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा रेलवे सुरक्षा का सुरक्षात्मक सफर होना चाहिए आजकल जो रेलवे में दुर्घटनाएं बढ़ रही है चुनौतियां खड़ी कर रही है पुनः इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए सड़कें बेहतर होनी चाहिए बंदरगाह बेहतर होने चाहिए एयरपोर्ट अच्छे होने चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए रेलवे की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए माल वाह की अलग से व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर रहेगा उत्पादन उतना ज्यादा होगा जितना उत्पादन ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा होगा, उतना रोजगार ज्यादा होगा जितना रोजगार ज्यादा होगा उतना ही गरीबी से हम लड़ पाएंगे और अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग करके रखी है मैंने वो इंजीनियर देखे हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करके रखी है लेकिन आज के युग में भी उन्हें नहीं पता कि कंप्यूटर को बंद चालू करने के अलावा क्या करते हैं मैंने वो इंजीनियर देखा है जिन्होंने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की है लेकिन उनको खुद को नहीं पता कि क्या पढ़ाया था इंजीनियरिंग में ह्यूमन रिसोर्स हमें बेटर क्वालिटी के बनाने पड़ेंगे उनके पास कौशल होना चाहिए और वो कौशल उनको बचपन की शिक्षा उनको भविष्य में दी गई शिक्षा के आधार पर निर्मित हो सकता है बहुत जरूरी है हमारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था हो कि जिसमें रुचि है जैसे किसी व्यक्ति को अगर लकड़ी का कोई भी फर्नीचर बनाने में रुचि है तो उसकी भी ट्रेनिंग स्कूल होनी चाहिए हमारे देश में उन इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिस इंजीनियरिंग का आज कोई महत्व नहीं बचा है लेकिन हमारे देश में एक फर्नीचर वाला कॉलेज नहीं है जहां फर्नीचर को अद्भुत तरीके से सिखाता हो जिसने 20 बीस साल से फर्नीचर में काम किया है उन लोगों को बुलाइए वे अपने तजुर्बों से बता सकते हैं कि किन जगह पर बारीक से बारीक सावधानियां बरतकर उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है मैंने उन लोगों को भी देखा है जो एक दिन में पूरे कमरे का फर्नीचर बना देते हैं और मैंने उन लोगों को भी देखा है जो दो दो महीनों में एक अलमारी नहीं बना पाते ये स्किल के कम होने का कारण हो सकता है हमारे देश में जिस जगह पर जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके कॉलेज बनने चाहिए अगर कोई व्यक्ति कुम्हार है तो कुम्हार के लिए ट्रेनिंग कॉलेज होने चाहिए क्यों नहीं हो सकते क्यों एम के कॉलेज और इंजीनियरिंग के कॉलेज ही होंगे जरूरत जिस हिसाब से चल रही है इनोवेशन हर जगह जरूरी है मटकों में इनोवेशन की जरूरत है लकड़ी के औजारों में इनोवेशन की जरूरत है कुर्सियों जरूरी नहीं है कैमरों में इनोवेशन की जरूरत है हर जगह इनोवेशन की जरूरत है जितने ज्यादा स्किल्ड कॉलेज हम उपलब्ध कराएंगे चीजें बेटर होती चली जाएगी तो अकुशल संसाधन जातिगत भेदभाव अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं अरे भाई क्यों, कुछ भी हो कौन सी जाति का है उससे ज्यादा जरूरी वो मनुष्य है अरे मनुष्य है उस मनुष्य को उसका अधिकार दीजिए उसे जीने दीजिए उसे अपने निर्णय खुद लेने दीजिए आपकी खुशकिस्मती कि आपने जन्म ले लिया एक विशिष्ट जाति में बट इसका मतलब यह नहीं है कि, कि किसी भी अन्य जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति आपसे निम्न श्रेणी का है आज भी कई गंदे लोग समाज में मिल जाएंगे जो केवल अपने आप को इसलिए बेहतर मानते हैं क्योंकि वो एक विशिष्ट जाति के हैं क्यों भाई आप उस जाति के कारण कौन सी विशिष्टता ग्रहण कर ली हो तो अभी भी गाड़ी चलाने वाले अगर ड्राइवर हो तो तुम्हारी स्किल केवल ड्राइविंग वाली है जाति के आधार पर तुम्हारी ड्राइविंग में कोई अद्भुत रहस्य नहीं आ जाते हैं कई लोगों को हमने देखा है जो केवल जाति के आधार पर धम भर रहे हैं उसका परिणाम हमारे देश में जो असमानताएं हैं वो कहीं ना कहीं पुनः बढ़ रही है जरूरत है देश में सामाजिक समानता की जरूरत है देश में सभी लोगों को मूलभूत शिक्षा के साथ साथ हर स्किल को प्राप्त करने की जलवायु और पर्यावरणीय कारक ये बहुत बड़ा कारण है आने वाले टाइम में गरीबी के लिए एक भयानक कारण बनने वाला ये क्योंकि अब आने वाले टाइम में जलवायु परिवर्तन के कारण अब चैलेंजेस और बढ़ेंगे हमारे देश में जिस तरीके से मानसून बदल रहा है हमारे देश में गर्मी के दिन जिस तरीके से बढ़ रहे हैं गर्मी की तीव्रता जिस तरीके से बढ़ रही है मच्छरों के लिए अनुकूल वातावरण जिस तरीके से निर्मित हो रहा है यह आने वाले समय में गरीबी की समस्या को और भयानक कर देंगे आप जानते हैं कि एक जमाने में डेंगू की बीमारी केवल दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में होती थी पर अब ये लगभग पूरे भारत में दिखने लगी है आप देखेंगे कि पहले उतनी तेजी से मच्छरों की आबादी नहीं बढ़ती थी लेकिन अब यह बहुत तेजी से बढ़ने लगी है आप देखेंगे कि लगातार जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवात जो अरब सागर में कभी दो दो तीन तीन साल में एक आते थे अब एक एक साल में तीन तीन अरब सागर में चक्रवात आ रहे हैं यह चक्रवात ये आपदाएं जो हिमाचल प्रदेश में आपदाएं आई जो उत्तराखंड में आपदा आई जो सिक्किम में आपदाएं आई जो बाढ़ का कहर दिल्ली में हुआ ये सब कुछ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं और ये परिवर्तन के प्रभाव व्यक्ति के जिंदगी जीने के खर्च को और महंगा करेंगे मतलब आने वाले टाइम में गरीबी और भयानक रूप से बढ़ेगी भौगोलिक कारक कहीं ना कहीं हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हैं तो यहां पर कई ऐसे भौगोलिक कारक हैं जो बहुत आर्द्रता और तापमान के कारण हमारी उत्पादकता को कम कर देते हैं नो no डाउट गर्मी और ज्यादा ह्यूमिडिटी के कारण मनुष्य उतना काम नहीं कर पाता शिक्षा और जन जागरूकता की अभी भी बहुत कमी है हमारे यहाँ लिटरेसी की परिभाषा है कोई भी सात वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति किसी बाईस भाषा में अपना नाम लिखकर पढ़कर दिखा दे तो वो पढ़ा लिखा मान लिया जाए गरीबी आ, शिक्षा की परिभाषा साक्षरता की परिभाषा को और बेहतर किया जाए ये साक्षरता की परिभाषा नहीं हो सकती केवल कोई व्यक्ति अपना नाम लिखना सीख ले तो वह साक्षर बिल्कुल नहीं माना जा सकता है सरकारी नीतियों का दोषपूर्ण क्रियान्वयन न जाने अभी मैं योजनाएं बताऊंगा आपको आप देखेंगे कि इतनी योजनाएं सरकार लेकर आई इतने कार्यक्रम सरकार ने चलाए क्रियान्वयन हर बार प्रॉब्लम में रहा हमारे देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार जब एक रुपए खर्च करती है लोगों के कल्याण के लिए तो उस व्यक्ति तक मात्र पंद्रह पैसे ही पहुंचते हैं पिचासी पैसे बीच में ही गायब हो जाते हैं क्या ये क्रियान्वयन है हमारे लोगों के अंदर नैतिकताओं को बढ़ाना पड़ेगा उन्हें बताना होगा कि जिस व्यक्ति के लिए वह कार्य किया जा रहा है वो भी आपका भारतीय व्यक्ति है वो भी आपके देश का नागरिक ही है वो भी आपका भाई बंधु ना सही लेकिन आपका ही जैसा व्यक्ति है आपका उद्देश्य आपका दायित्व है कि उसको बेहतर तरीके से उस योजनाओं तक जोड़िए ताकि वो अपने आप को सशक्त कर सके कई बार सरकार बेहतर कार्यक्रम भी करती है लेकिन जो प्रशासन है वो इसका इस प्रकार से एग्जीक्यूशन करता है कि पूरी तरह से बिल्ली बांट हो जाता है या बंदर बांट हो जाता है कि जिसके हाथ में जितनी कमाई आ जाए सड़क बनाने का टेंडर मिला तो सबसे पहले सोचता है कि वो कितना कमाएगा पर वो भूल जाता है कि सड़क किसी विदेश के जमीन पर नहीं वो अपने ही देश पर अपने ही नागरिकों के लिए बना रहा है सड़क इतनी मजबूत और बेहतर बनाए कि वह अपने आप को संतुष्ट कर सके कि हां मैंने अपना दायित्व निभाया और सबसे अंत में लाल फिताशाही और भ्रष्टाचार ये भी गरीबी का एक बड़ा कारण है मुझे उम्मीद है कि आप लोग गरीबी के कारण को बहुत स्पष्ट रूप से समझ पाए होंगे जिसने हमारे देश में गरीबी को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाया है किसी भी अर्थव्यवस्था में व्याप्त निर्धनता की समस्या के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं सीडीएस 2016 आंसर आना चाहिए बिल्कुल इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो बहुत आराम से उत्तर निकाल सकते हैं ये ऑप्शन थोड़े से इंग्लिश मीडियम वाले अलग दे दिए गए हैं एक दो और चार ये एक दो और चार है ऑप्शन डी वन टू फोर है डिमांड की बात नहीं रहेगी लेकिन ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो गरीबी के लिए जिम्मेदार मानी जाएगी गरीबी के समाधान हेतु तो सरकारी प्रयास अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे सरकार के वो कार्यक्रम सरकार के वो कार्यक्रम जिसमें हम बातचीत करेंगे गरीबी के समाधान हेतु तो सरकारी प्रयास एक लाल कह रहा है कि एक शिक्षक भी अपना सौ परसेंट कहा देता है वह पहले फीस देखता है निश्चित ही पर एक विद्यार्थी भी कहा देखता है जैसे आप आ जाते हैं पढ़ाई कम और कमेंट ज्यादा देते हैं और इसी कारण से सिलेक्शन आपका नहीं होता फिर आपको लगता है कि मास्टर मुझे बहुत बढ़िया नहीं मिला जरूरत है आप पढ़ाई पर ध्यान दो आइए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे की बातचीत रिविजन करते चलिएगा पढ़ते चलिएगा शेयर और लाइक करते चलिएगा उम्मीद है गरीबी वाला टॉपिक अगली क्लास में खत्म हो जाएगा बाय